हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने हार्ट का एक्सटर्नल फीचर स्टार्ट किए हैं और पेरिकार्डियम के बाद जो हमारा हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग डिटेल में एक एक करके जान रहे हैं। तो पहले हमने देखा कि उसके हार्ट के जो एक्सटर्नल फीचर्स थे उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि कुछ एपेक्स का पार्ट आएगा, बेस का पार्ट आएगा, कुछ सर्फेसेस होंगे, कुछ बॉर्डर्स होंगे, कुछ सल्कस है, जिसको हम लोगों को डिटेल में देखना है, ठीक है। और कल तक के हमने लेक्चर में हमने सल्कस तक का पार्ट कवर कर लिया। आज से हम लोग क्या देखेंगे, एक एपेक्स का पार्ट देखेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे बेस क्या होता है, उसके सर्फेसेस देखेंगे और उसके बॉर्डर्स देखेंगे। तो ये जो पूरा पार्ट आता है हमारे एक्सटर्नल फीचर्स में आता है। तो एक्सटर्नल फीचर्स में हम लोग आज देखने वाले हैं हमारा एपेक्स का पार्ट, ठीक है। हम लोगों को जब स्टार्टिंग कर रहे थे हम लोग लेक्चर का, तो उस समय पे ये पता चला कि कौन सा एपेक्स का पार्ट होता है, कौन सा बेस का पार्ट होता है। हमने एक चीज और भी पढ़ी थी कि एपेक्स जो होता है वो हमारा पेरिकार्डियम का ऊपर साइड होता है, लेकिन हार्ट का एपेक्स हमारा नीचे साइड होता है, ठीक है। तो ये चीज हमने पेरिकार्डियम में भी पढ़ी थी। तो यहां पर हम लोग स्पेशली एपेक्स को अगर देखेंगे, ठीक है, यहां पर अगर हम लोग एपेक्स देखेंगे तो ये जो पार्ट आता है, ठीक है, ये हमारा जो लेफ्ट एट्रियम सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल का जो पार्ट आता है उससे हमारा बनता है एपेक्स, ठीक है। तो मेन पार्ट आता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का, जो कि एक एपेक्स बना रहा है। अगर हम लोग इसका डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन कैसा है, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है। ये कैसे होता है, डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है और लेफ्ट की तरफ है, इसलिए इसका डायरेक्शन लेफ्ट बना है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, एक तो डाउनवर्ड है, दूसरा है फॉरवर्ड और तीसरा है लेफ्ट। ये हमारा एपेक्स का डायरेक्शन होता है। अगर हम लोग पार्ट देखा तो पार्ट कौन सा है, ये हमारा मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है, ठीक है। ये पूरा जो हमारा एपेक्स का पार्ट बना ये किससे बन रहा है, हमारा ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट है उससे बनता है। अगर हम लोग इसका लोकेशन देखेंगे एग्जैक्टली कहाँ पे है, अगर मान लो ये हमारी मिडलाइन है, ठीक है, ये हमारी अगर मिडलाइन है और यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है, ये हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। अगर हम लोग मिडलाइन से लेफ्ट में, यहां पर लेफ्ट में 9 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस देखेंगे, 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अगर देखेंगे तो वहां पर हम लोगों को एपेक्स मिलने वाला है, ठीक है। दूसरा इसका एक लोकेशन या फिर सरफेस मार्किंग क्या बता सकते हैं हम लोग, कि मान लो ये हमारा क्लैविकल है और ये हमारी मिड क्लैविकुलर लाइन है, ये मिड क्लैविकुलर लाइन से ये मेडियल साइड पे होता है, ठीक है, ये मिड क्लैविकुलर लाइन से मेडियल में प्रेजेंट होता है और उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड लाइन से लेफ्ट में 9 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। अगर हम लोग यही चीज अगर हम लोग बच्चों में देखेंगे, 2 साल के अगर नीचे है बच्चा तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है इसकी जगह पे ये मिलने वाला है हम लोगों को फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ये मिलता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर थेरोटिकली भी देखेंगे तो एपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड एंटायरली बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट आ रहा है जिससे हमारा एपेक्स बन रहा है। इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट। ये इसका डायरेक्शन देखा हमने, डायरेक्टेड कैसा है, ये डाउनवर्ड है, फॉरवर्ड है और टूवर्ड्स द लेफ्ट, यहाँ पर ये डायरेक्शन है इसका। और उसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे इसका ये जो बॉर्डर है या फिर ये जो एपेक्स है, ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर जो होती है हमारी लंग्स से, लंग्स की जो हमारी एंटीरियर बॉर्डर है उससे ये ओवरलैप होता है, ठीक है। ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग ये लंग्स में भी आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर इसका अगर हम लोग डायरेक्शन ध्यान रखेंगे तो वो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका जो हम लोग कभी एपेक्स के ऊपर क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को इसका डायरेक्शन भी मेंशन करना होता है, वो किससे बनता है ये भी मेंशन करना होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग इसका पोजीशन या फिर सिचुएशन देखेंगे, इट इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस 9 सेंटीमीटर लैटरल टू द मिड स्टर्नल लाइन, जस्ट मेडियल टू द मिड क्लैविकुलर लाइन, ठीक है। वही चीज हमने अभी समझे कि अगर ये मान लो हमारा मिड लाइन है या फिर जिसको हम लोग मिड स्टर्नल लाइन कहेंगे, क्योंकि ये स्टर्नम के साइड पे है, ठीक है, तो ये हुआ हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेकिन ये भी हमारा लेफ्ट में, ठीक है, और यहां से अगर हम लोग 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे तो 9 सेंटीमीटर पे हम लोगों को मिलने वाला है हमारा एपेक्स, ठीक है, और इसी के लैटरली जाएगी हमारी मिड क्लैविकुलर लाइन, ठीक है। तो ये इसका लोकेशन हुआ।
अगर हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे ह्यूमन बीइंग्स है जिनमें ये अपेक्स जो है ये एग्जैक्टली राइट साइड में होता है, सेम हम लोगों को यहाँ पर फीचर्स फॉलो करने हैं, जैसे कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस हुआ, मिड लाइन से लेकर 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हुआ, या फिर हमारा जो मिड क्लेविकुलर लाइन है उसके मीडियल साइड पे हुआ, ये तीनों फीचर सेम रहेंगे, लेकिन अपेक्स का जो लोकेशन है ये लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस की जगह पे राइट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में अगर मिलता है हम लोगों को, तो उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, फिर ऐसे कुछ ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जिनमें हमारा हार्ट जो है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है, जबकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं तो हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, ये टर्मिनोलॉजी उसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इन द लिविंग सब्जेक्ट, मतलब अभी हम लोग अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, लिविंग ह्यूमन्स में अगर हम लोगों को पल्सेशन या फिर इसका जो साउंड सुनाई देता है वो यहाँ पर हम लोग एपेक्स बिट जिसको कहते हैं वो हम लोगों को कहाँ पे सुनाई देगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल में, कोस्टल स्पेस में 9 सेंटीमीटर टू द मिड लाइन, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को वही समझा रही है कि यहाँ पर लिविंग सब्जेक्ट में पल्सेशन में फेल्ट सीन और फेल्ट ओवर द दिस रीजन, ठीक है, यही पे हमारा पल्सेशन या फिर बीट्स हम लोगों को सुनाई देने वाले। अगर हम लोग बच्चों में देखेंगे, इन चिल्ड्रन बिलो 2 ईयर्स एपेक्स इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। जो हमने अभी तक देखा कि जो हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में था, अगर चिल्ड्रंस में देखेंगे 2 ईयर्स के नीचे, तो हम लोगों को वो मिलने वाला है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है। यही एक डिफरेंस होता है हमारा एपेक्स का बच्चों में और एडल्ट ह्यूमन में, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके बाद में बेस का पार्ट देखेंगे, हार्ट का बेस किससे बनता है, हम लोगों ने पहले जब पोस्टीरियर बॉर्डर के पोस्टीरियर सरफेस के बारे में पढ़ा, उसमें हमने एक चीज समझी कि जो हमारा बेस होता है उसी को हम लोग पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं, ठीक है। तो बेस और पोस्टीरियर सरफेस ये दोनों सेम ही है। अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे राइट डाउन द बेस ऑफ द हार्ट या फिर राइट डाउन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, तो इन दोनों का मीनिंग जो होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर बेस समझेंगे, द बेस ऑफ द हार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्टीरियर सरफेस एंड इट इज फॉर्म्ड मेनली बाय द लेफ्ट एट्रियम एंड बाय स्मॉल पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। अगर हम लोग इसका पार्ट देखेंगे तो हमारा जो बेस का पार्ट होता है फिर पोस्टीरियर सरफेस का पार्ट होता है वो किससे बन रहा है, मेनली देखेंगे तो हमारे लेफ्ट एट्रियम से बन रहा है, और इसका थोड़ा सा राइट एट्रियम का भी पार्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, जो कि हम लोग एक डायग्राम से भी समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे आप तो ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल का पार्ट है। तो ये जो मेजर पार्ट होता है हमारा बेस का या फिर पोस्टीरियर सरफेस का, ये किससे बनता है, ये बना हमारा राइट एट्रियम से, सॉरी लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम से बना और ये हमारा राइट एट्रियम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पोस्टीरियर सरफेस और बेस ये ज्यादा से ज्यादा किससे बन रहा है, हमारा लेफ्ट एट्रियम से बन रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इन रिलेशन टू द बेस वन कैन सी द ओपनिंग ऑफ 4 पल्मोनरी वेन्स विच ओपन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम एंड ऑफ द सुपीरियर एंड इन्फीरियर कैवा विच ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम। अगर हम लोग बेस का पार्ट देखते हैं तो उसमें हम लोगों को रिलेशन या फिर जो ओपनिंग्स मिलने वाले हैं वो क्या क्या है, वही चीज यहाँ पर समझाइए कि ये यहाँ पर देखेंगे ये पल्मोनरी वेन्स के ओपनिंग्स है, ठीक है, जो कि हमारे लेफ्ट एट्रियम में ओपन होते हैं। तो ये पल्मोनरी वेन्स के जो ओपनिंग होंगे वो हम लोगों को यहाँ पर पोस्टीरियर सरफेस पे या फिर हमारे बेस पे दिखने वाले। दूसरी चीज, जो हमारा सुपीरियर वेना क्यावा और इन्फीरियर वेना क्यावा का जो ओपनिंग होता है हमारे राइट एट्रियम में, वो भी हम लोगों को बेस के साइड पे या फिर पोस्टीरियर साइड पे क्लियरली नजर आता है, यही चीज का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इट इज रिलेटेड टू द थोरेसिक 5 to the thoracic 8 vertebra। अगर हम लोग इसका रिलेशन देखेंगे तो हम लोग जब पेशेंट लाइंग डाउन पोजीशन में होता है, ठीक है, लाइंग डाउन पोजीशन में अगर हम लोग देखते हैं पेशेंट का, तो ये जो पोस्टीरियर सरफेस है उसका रिलेशन अगर हम लोग थोरेसिक वर्टेब्रा के साथ करते हैं तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा मतलब T5 से लेके हमारा T8 तक का पार्ट जो होता है वो हमारा बेस बनाता है, ठीक है। लेकिन ये कब, या जब पेशेंट हमारा लाइंग डाउन पोजीशन में होता है या फिर लाइंग पोस्चर में होता है। लेकिन अगर हम लोग पेशेंट को इरेक्ट पोजीशन में देख रहे हैं
तो ये जो डिस्टेंस है ये एक एक वर्टेब्रा से एक नंबर से ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये T6 पे आएगा और ये T9 पे आएगा, ठीक है। इट डिसेंड्स बाय वन वर्टेब्रा इन द इरेक्ट पोस्चर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इरेक्ट पोस्चर में देखेंगे तो एक वर्टेब्रा से नीचे जाएगा और ये लाइन डाउन में T5 से लेकर T8 तक इसका सरफेस आता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो हमारे जो पेरिकार्डियम का लेयर होता है उससे भी सेपरेटेड होता है। लेकिन अगर हम लोग पोस्टीरियर सरफेस में अगर हम वर्टेब्रल कॉलम की बात करते हैं, मान लो ये हमारा वर्टेब्रल कॉलम है और यहाँ पर ही हमारा पोस्टीरियर सरफेस का पार्ट आएगा, ठीक है। तो पोस्टीरियर सरफेस को अगर वर्टेब्रल कॉलम के साथ कंपेयर करेंगे तो उसको डिवाइड करने वाले पार्ट कौन से है, एक तो पहला है हमारा पेरिकार्डियम की बॉर्डर, ठीक है। तो पेरिकार्डियम की वजह से भी यहाँ पर थोड़ा से या फिर जो हमारे वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट होंगे उससे सेपरेट हो रहा है। उसके बाद में राइट पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है, जो कि पल्मोनरी वेन्स यहाँ पर ओपन हो रही है। उसके बाद में इसोफेगस का भी पार्ट आता है और एवर्टा का भी कुछ पार्ट आता है, जिसकी वजह से जो हमारा जो हमारा बेस ऑफ द हार्ट है या फिर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट है वो हमारा यहाँ पर वर्टेब्रल कॉलम से सेपरेट हो रहा है, ठीक है। कौन से स्ट्रक्चर है, एक तो पेरिकार्डियम से हो रहा है, राइट पल्मोनरी वेन से हो रहा है, इसोफेगस से होगा और कुछ पार्ट अवर्टा का आता है जिससे कि वर्टेब्रल कॉलम से इसको सेपरेट करता है। तो ये हुआ हमारा बेस का पार्ट, ठीक है, या फिर इसको पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं। सेम चीज यहाँ पर डायग्राम में दी है, ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये हमारा राइट आर्ट्रियम है, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो मेजर पार्ट जो बनता है हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम से बनता है, थोड़ा बहुत हमारा पोस्टीरियर सरफेस राइट आर्ट्रियम से बनता है, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग है ये हमारी लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स और ये राइट पल्मोनरी वेन्स की है, ठीक है। और इसके बाद में ये हमारी सुपीरियर वेना क्या हुआ है, ये हमारी इन्फेरियर वेना क्या हुआ है, जो कि पोस्टीरियर सरफेस पे ये ज्यादा क्लियरली दिखाई देते हैं एज कम्पेयर टू एंटेरियर सरफेस, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस ऑफ हार्ट। अगर हम लोग बॉर्डर्स की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि इसके चार बॉर्डर हम लोगों को मेनली दिखते हैं। एक तो होता है हमारा अपर बॉर्डर, दूसरा होता है राइट बॉर्डर, तीसरा होता है लेफ्ट बॉर्डर और चौथा होता है हमारा इन्फेरियर बॉर्डर, ठीक है। तो ये चार बॉर्डर हम लोगों को समझना है। अगर हम लोग लेफ्ट अपर बॉर्डर की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग अपर बॉर्डर देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट एट्रियम का पार्ट होता है यहाँ पर हमारी बनती है अपर बॉर्डर, ठीक है। तो ये अपर बॉर्डर जो है ये थोड़ी सी ऑब्लिक है, ठीक है,